सो हाय गाइस, स्वागत है आपका जीएमजी के पीओटीडी के स्ट्रीट में डे 8 में. ओके, तो आज का क्या क्वेश्चन है? फोन डायरेक्टरी. और उससे पहले यार, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे और व्यूज तो काफी अच्छी आ रही है. 300 400, बट सब्सक्राइबर्स अभी भी बहुत ही स्लो पेस में बढ़ रहे हैं. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि कल के क्वेश्चन को तो मतलब इतना इजी लेवल का डाल दिया, जैसे स्कूल का मेंटल मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो, है ना. तो जिस जगह लगता है इस बात का बुरा मान गए और इस बार भाई अच्छे क्वेश्चन, तगड़े क्वेश्चन डाले और हार्ड लेवल के. ठीक है, तो लेवल से फर्क नहीं पड़ता है, हार्ड मीडियम इजी बस बताता है ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है या नहीं. ठीक है, तो क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिया और आप सोल्यूशन गेस कर पा रहे हो, मल्टीपल सोल्यूशन गेस कर पा रहे हो, तो काफी अच्छी बात है. क्योंकि ब्रूट फोर्स से हमसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि और इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर यही चाहते हैं आपसे कि आप स्क्रैच से शुरू करो और ऑप्टिमाइज करते करते आप किस लेवल तक खेले आ सकते हो. ठीक है, तो अगर आप सोल्यूशन सोच पा रहे हो इस क्वेश्चन का तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझाऊंगा और मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस भी करूंगा. तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि गिवन अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेंथ एंड वेर ईच कॉन्टैक्ट इज अ स्ट्रिंग. ओके, एक एरे है, स्ट्रिंग एरे दी हुई है विच एग्जिस्ट इन फोन डायरेक्टरी. देखो, फोन डायरेक्टरी अगर आपने थोड़ी बहुत भी डीएसए अगर पढ़ रखी है तो फोन डायरेक्टरी से आपको एक डेटा दिमाग में क्लिक कर गया होगा, लेकिन अभी मैं वो नाम नहीं बताऊंगा, आगे पढ़ते हैं. एंड अ क्वेरी स्ट्रिंग एस. तो द टास्क इज टू इम्प्लीमेंट अ सर्च क्वेरी फॉर द फोन डायरेक्टरी. ओके, रन अ सर्च क्वेरी फॉर ईच प्रीफिक्स पी ऑफ द क्वेरी स्ट्रिंग एस. ठीक है, दैट इज फ्रॉम इंडेक्स 1 to S. दैट प्रिंट्स ऑल द डिस्टिंक्ट. अब डिस्टिंक्ट सुन के भी अगर पढ़ रखा है, सिर्फ नाम सुन रखा है और यूज केस पता है, यहाँ से भी एक डेटा सेट को क्लिक करना चाहिए. Which contacts which they have the same prefix P in lexicographical. अब distinct and lexicographical. तो यहाँ से और precisely data structure कौन सा use करना है, click करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. In increasing order. Please prefer the explanation part for better understanding. If there is no match query and contacts print 0. ठीक है, तो ये इनका एक example दे रखा है कि geeky test geeks for geeks and geeks for test. और ये अपना string है. ठीक है, तो ये इन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रखा है ना. मैं आपको छोटे एग्जाम्पल समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं. तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑफ एरे दे रखी, और आज का वीडियो लंबा होने वाला, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो आप बस पेशेंट से बात सुनो और समझो और मेरे साथ कोड करो. ठीक है, तो हम छोटी स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे एक गीक्स ले लेते हैं और एक गेट ले लेते हैं, ये अपनी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है. ठीक है, और हमारा जो एस था जिसके ऊपर हमने क्वेरी चलानी थी वो लेट्स से गीट ले लेते हैं. हमें क्या करना है, इस गीक में ट्रैवर्स करना है. तो अगर पहले कैरेक्टर पे आए तो जी होगा, फिर से ट्रैवर्स करके दूसरे कैरेक्टर पे जाना, दूसरे तक जी ई हो जाएगा, तीसरे तक जी ई ई हो जाएगा और जी ई ई टी हो जाएगा. अब हमें सर्च क्या करना है कि जब ये जो पहला कैरेक्टर है वो देखना है कि इस अपने एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में ये एक्चुअली प्रेफिक्स है या नहीं. प्रेफिक्स का क्या मतलब होता है, अब मैंने अगर एक नाम लिखा है अक्षय, तो ए है प्रेफिक्स. ठीक है, स्टार्टिंग लेटर को बोलते हैं. अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए के भी प्रेफिक्स है ना, मतलब स्टार्टिंग से आपको काउंट करना है. ठीक है, चलो. तो गीक्स, तो जी, आप देखो इसमें जी प्रेजेंट है, इनिशियल तो है, तो उसको एज आंसर प्रिंट कर दो. फिर जी को देखो, इसमें जी है, जी है प्रेफिक्स, तो गेट भी प्रिंट कर दो. अब जी ई देखो, जी ई है, इसमें भी जी ई है और जी ई टी में भी जी ई है, तो फिर से स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर दो. ठीक है, अब देखो जी ई ई, जी ई यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो ठीक है जितना है उतना ही प्रिंट करो. ठीक है, अब जी ई ई टी, अब तुम देखोगे ना तो गीक्स में है ना ही गेट में, तो इसके लिए आंसर 0 हो जाएगा. प्लस एक और कंडीशन दे रखी है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, तो आंसर आपका कुछ इस तरह से प्रिंट होना चाहिए, जी ई टी, सॉरी लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में. आपको लेक्सोग्राफिकल समझाया था मैंने अपने लास्ट वीडियो में, तो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, गीक्स और ये गेट और ये गीक्स, चलो ये लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड ही था. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे दूँ तो आपको, लेक्सोग्राफिकली क्या होता है, एस की वैल्यू से कंपेयर होता है, जैसे कि ए की एस की वैल्यू 69 होती है और बी की 62 होती है, तो हम लोग कहेंगे कि बी इज लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर देन 61. अब अगर जैसे स्ट्रिंग है जिसमें 32 कॉमन आती है, कैट एंड सी डब्ल्यू ले लेते हैं, तो सी कॉमन है, तो सी कॉमन है तो यहाँ तक, तो डिसाइडिंग फैक्टर टी और डब्ल्यू होता है, तो टी और डब्ल्यू से कौन पहले आता है, पी के आर एस टी यू वी डब्ल्यू टी पहले आता है ना, तो ये लेक्सिग्राफिकली स्मॉलर हो गया सी ए डब्ल्यू से, वैसे प्रिंट करना है आपको. ठीक है,
ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, ड्राई रन को करा दिया, कैसे करना है। अब आप सोचो, ठीक है, अब आप सोचो थोड़ा सा कि इसमें एकदम भोला भाला सा नाइव सा अप्रोच सोचा जाए तो क्या ही कर सकते हैं। मैंने जो किया उसी को कोड कर देते हैं। हमने क्या किया, हमने जी को पकड़ा, फिर उसके दूसरे कैरेक्टर को पकड़ा, फिर उसके तीनों कैरेक्टर को पकड़ा, चौथे कैरेक्टर को पकड़ा, जी के साथ चेक किया कि ये इसका प्रेफिक्स है या नहीं एरे के स्ट्रिंग वन से स्ट्रिंग टू से, फिर चेक किया ये इसका प्रेफिक्स है कि नहीं, फिर इसको एक आंसर में ऐड कर दिया। फिर से सेम प्रोसेस जी के लिए किया कि जी गीक्स का प्रेफिक्स है नहीं और गेट का है कि नहीं, अगर है तो बस आंसर में ऐड करते जाओ, और फिर ये जो एक 2D एरे जैसी दिख रही है ये अपना आंसर होगा, है कि नहीं, और इसका हर लाइन लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड होना चाहिए, बस यही करना है, यही करना है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, अब आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि ये जो है ये फॉर लूप चला के हम लोग अपने स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर लेंगे, इस स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर लेंगे आई को से जीरो से, और हर आई के लिए उसका सबस्ट्रिंग निकाल लेंगे, ठीक है। फिर एक और फॉर लूप ला के हम लोग एरे ऑफ स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर लेंगे, एरे ऑफ स्ट्रिंग जो जो कि कॉन्टैक्ट के नाम से दिया हुआ है हमें, ठीक है। और इसका ये जो यहाँ पे जो सबस्ट्रिंग निकाला था इस पर्टिकुलर के लिए, यहाँ पे भी सबस्ट्रिंग निकालेंगे, दोनों को चेक कर लेंगे, अगर इक्वल्स इक्वल्स है तो उसको आंसर में ऐड कर दो, ऐड इन आंसर। ये मान लो यहाँ पे करंट 1 था सबस्ट्रिंग और ये था करंट 2, तो करंट 2 इक्वल्स इक्वल्स टू करंट 1 है तो ऐड इन आंसर, और अगर नहीं है और अगर और हमें क्या डुप्लीकेसी भी मेंटेन करनी है ना, तो इसको इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड इन आंसर सब आंसर हुआ है, तो यहाँ पे एक हैश शेट बना लेंगे हम लोग, है ना, हैश शेट डुप्लीकेसी। देखो मैंने बोला था ना डिस्टिंक्ट है, तो एक डेटा स्ट्रक्चर क्लिक होना चाहिए, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या आता है, हैश शेट, ठीक है, हैश शेट में डाल देंगे, और लास्ट में जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो अपना जो 2D एरे जो आंसर हम लोग बनाएंगे उसके हम फाइनली इस हैश शेट को एरे के रूम में ऐड कर देंगे, ये करना है हमें। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है, लॉजिक समझ में आना चाहिए, कोड तो फिर भी कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो अब इसको कोड करना शुरू करते हैं फटाफट। तो पहले हमें क्या फॉर लूप चलाना था इस के लिए, फिर हमें चलाना है इस के लिए, और हमें यहाँ से एक सबस्ट्रिंग निकाल के लानी है जिसका नाम लेट्स से करंट 1 रख देंगे, और हर स्ट्रिंग के लिए यहाँ से निकालनी करंट 2। चलो इतना कोड करते हैं और हैश शीट बनाते हैं और सब आंसर बनाते हैं। चलो सबसे पहले तो एक आंसर एरे बना लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही, क्योंकि ये बहुत ही नाइव अप्रोच है ना। और इसको कोड करने से पहले हमें एक चीज़ देख लेना चाहिए कि ये कोड कर दिया तो रन करेगा नहीं। अब खुद ही देखो हम क्या कर रहे हैं, एस टाइम्स जा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, एन टाइम्स जा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, हैश शेट में डाल रहे हैं, तो ओ ऑफ एन वो इसी में आ गया है ना, बाद में उसे शॉर्ट करेंगे तो एन लॉग इन चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा, तो एक्चुअली एस इन टू एन प्लस एन लॉग इन होगा, ठीक है, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या है और एन की वैल्यू क्या है, एस की कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, एस है, अरे तो बहुत छोटे कंस्ट्रेंट है, काम कर जाना चाहिए। एस की वैल्यू 6 है, एस इंटू एन कर दोगे तब भी 300 ही होता है, 10 की और इंटू एन लॉग इन भी कर दोगे तब भी 10^8, तो भाई कोई जन्म में नहीं जाने वाला है। तो चलो भाई इसको चुपचाप से कोड कर देते, हमने कोड कर दिया तो सबमिट तो पक्के से हो जाएगा। तो चलो एक आंसर एरे बना लेते हैं, ठीक है, और न्यू एरे लिस्ट, राइट, हमने क्या बोला था, हम स्ट्रिंग एस में ट्रेवर्स करेंगे, तो int i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन एस डॉट एलियन cth प्लस प्लस। हमें अब यहाँ से क्या निकालना है, हमें अब यहाँ से पहला एक सब पहला पहले इटरेशन के लिए सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगी, सिर्फ g, मतलब ये पहला पार्ट है ना, और सबस्ट्रिंग निकालने का आपको एक फंक्शन होता है, आपको पता ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एस डॉट, पहले इसको एक स्ट्रिंग में सोच कर लेते हैं, स्ट्रिंग करंट इज इक्वल्स टू एस डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ 0, i 0, i में कौन से वैल्यूज इंक्लूड होते हैं, i इंक्लूसिव होता है, तो 0 से i माइनस 1 तक का वो स्ट्रिंग उठाएगा, इसलिए मैंने i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। चलो अब हमें एक नेस्टेड लूप चलानी है फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 से, हमें क्या करना है, इसमें पूरे अपने जो कॉन्टैक्ट्स के स्ट्रिंग है हमें उन कॉन्टैक्ट का जो एरे है उसमें इटरेट करना है, तो ठीक है फॉर लूप से इटरेट कर गए।
अब हमें इसमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग करंट टू बनानी है, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या करना है हमें कि अगर हमने फर्स्ट इटरेशन में क्या किया था, सिर्फ जी को निकाला था, है ना, तो जो सब जो एस वन है उसका सिर्फ पहली कैरेक्टर को सबस्ट्रिंग निकालना है, नेक्स्ट इटरेशन में दो कैरेक्टर का सबस्ट्रिंग निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो चलो, तो अगर उसको निकालना है तो क्या ही लिख लें, क्या ही लिखेंगे हम लोग, यही लिखेंगे जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था, है ना, बट बस स्ट्रिंग बदल जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी कौन सी, कॉन्टैक्ट ऑफ जे, जेथ स्ट्रिंग, और उसमें ये फंक्शन चला देंगे, ठीक है, ये फंक्शन चला दिया, ये फंक्शन चला दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब हमें क्या करना है, अगर इक्वल है तो हमें उसका आंसर में ऐड करना था, राइट, तो इफ करंट डॉट इक्वल्स, अब मैं इक्वल इक्वल टू वाला सिंबल क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग में इक्वल इक्वल टू रेफरेंसेस कंपेयर करने के लिए होता है, अगर कंटेंट कंपेयर करना है तो डॉट इक्वल्स लगाना पड़ता है, अगर ऐसा है तो हमें इसे एड इन कुछ सब आंसर, है ना, एक सब आंसर हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं, हर इटरेशन के लिए एक एरे के आंसर आएगी, एक इंडिविजुअल एरे आएगा, तो हर इटरेशन के अंदर हमें बनाना पड़ेगा वो, तो हम क्या बना लें, हमें एक, और हमें डुप्लीकेसी भी मेंटेन करनी थी, तो हम एक सेट बना लेते हैं, है ना, और इसका नाम रख देते हैं सेट न्यू हैश सेट, ठीक है, चलो, तो एड इन सब आंसर, तो सेट डॉट एड, सेट डॉट ऐड क्या करेंगे हम लोग, पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करानी थी हमें, तो कंटैक्ट ऑफ जे पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करा दो लो, ठीक है। अब अगर नॉट इक्वल्स टू होता है, नॉट इक्वल्स टू होता है, तो हमें उसके लिए क्या करना था कि जीरो प्रिंट करना था, है ना, मतलब कोई भी स्ट्रिंग नहीं आई है, तो मतलब सब आंसर जो हमारा जो ये हैश सेट है इसमें कोई स्ट्रिंग आया ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि जो नेस्टेड लूप है उसके बाहर चेक कर लेंगे कि सेट डॉट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हमारा जो अब ये एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना, तो सेट डॉट एड क्या कर देना है इस केस में, जीरो जीरो, ठीक है। अब ये हमारा ये जो सेट है हमारा फर्स्ट इटरेशन का आंसर स्टोर करके रखा है, जिस और इस लिस्ट को हमें इस आंसर का पार्ट बनाना है, है ना, तो हमें एक और यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनानी होगी, टाइप स्ट्रिंग, इसका आंसर इसका नाम ही रख देते हैं सब आंसर, इस वेरिएबल्स के नाम ऐसे रखने चाहिए जो कोड वॉक थ्रू करे तो समझा पाए और समझ सके, ठीक है। अब हमें इस ये जो हैश सेट में जो ईच इटरेशन का आंसर स्टोर किए हुए है उसको हम लोग पहले सब आंसर में डालते हैं, अभी तो फिर 2D array list में ऐड कर पाएंगे, तो string x insert, ठीक है, और सब आंसर डॉट एड क्या हो जाएगा x, और फाइनली अब जब इटरेशन खत्म हो रही है तो हमें अब यहाँ पे क्या कर देना है, बस एक्चुअल आंसर डॉट एड सब आंसर, ठीक है, और लास्ट में क्या कर देना है हमें, बस रिटर्न आंसर, ठीक है, यहाँ से हो जाना काम। अब मैं इस कोड को मैं अपने टेस्ट केस के लिए करके देखता हूँ, ठीक है, ये टेस्ट केस आप पढ़ लेना, वैसे ही काम कर रहा है, बस बहुत बड़ा है तो मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। तो कस्टम इनपुट में अपन जो टेस्ट केस सोचे थे वो डाल लेते हैं, तो क्या सोचा था हमने कि दो स्ट्रिंग होगी और पहला स्ट्रिंग गीत था, दूसरा स्ट्रिंग गेट था, और हम लोग क्वेरी चला रहे थे किसके लिए, गीट के लिए, ठीक है, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, ओके, ठीक, मैंने यहाँ पैरेंथेसिस मिस की है और कोई एरर कंपाइलेशन की नहीं, ठीक है, इंडेक्स टू आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ, ओके, हमें एक चीज और यहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी, पता है क्या कि आप खुद ही सोचो, मैं यहाँ पर सपोज कि हमारा एक थर्ड स्ट्रिंग भी होता जिसका स्ट्रिंग सिर्फ ए होता,
ठीक है। अब जब जी से कंपेयर होते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब जीई से कंपेयर कर रहे होते हैं तो देखो जीई जो है इससे कंपेयर करना और थर्ड स्ट्रिंग ए है और इसका लेंथ जो है जिससे कंपेयर कर रहे उसी से कम है ना, तो इसके लेंथ को पहले चेक कर, कंपेयर तभी करो जब एरे में जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ जिससे कंपेयर कर रहे हो उससे ग्रेटर हो, है ना। और नहीं तो फिर वही आ जाएगा ना कि आप जिसके लिए सब स्ट्रिंग निकाल रहे हो वो इंडेक्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे लेट्स से स्ट्रिंग ए है और आप बोल रहे हो कोड को निकालने की शुरुआत के दो स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकालो दो कैरेक्टर का, तो वो तो फिर एरर दे देगा। ठीक है, उसको एक बार सही कर लेते हैं। तो मतलब हमें ये कंपैरिजन तभी करना है जब हमारा जिस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब किसको प्रोसेस कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ जे को प्रोसेस कर रहे हैं, डॉट लेंथ ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो जाना चाहिए किससे, इसके सब स्ट्रिंग्स, है ना, इसके सब स्ट्रिंग से ग्रेटर होना चाहिए। और तो इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसको हमने क्या वेरिएबल दे रखा था, करंट, तो लिख देते हैं करंट डॉट lngth। ठीक है, और हमें इनको ब्रैकेट में डालना होगा, ये सब काम कब करना है जब ऐसा ऐसा हो। ठीक है, ओके चलो, तो एक बार रन करके देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड बाउंस फॉर लेंथ टू। ओके अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार रेक्टिफाई कर लेते हैं क्या है। ठीक है, तो एरर रेक्टिफाई हो गया है और ठीक है, तो हमने जो जो चीज़ किया था वही एक बार फिर से मैं आपको वॉक थ्रू करा देता हूँ। ठीक है, एरेलिस्ट बनाया हमने, 2D एरे में आंसर स्टोर करना था, फिर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ट्रैवर्स किया, फिर उसके बाद एरे और स्ट्रिंग में ट्रैवर्स किया। ठीक है, तो इसके लिए एक करंट स्ट्रिंग बनाया जो मैंने बताया था, एक फिर करंट टू स्ट्रिंग बताया, ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं, एक भी लिखा हमने। ठीक है, जब इक्वल है तो सेट में ऐड कर दो क्योंकि डिस्टिंक्ट चाहिए। अब अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आया सेट में तो इसका मतलब कहीं से भी प्रीफिक्स मैच नहीं हुआ है, तो उस केस में जीरो रिटर्न कराना है, इसने मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न जीरो ऑन दैट लिस्ट। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि फॉर ईच इटरेशन हमें एक लीनियर एरे बनाना होगा, तो एक एरे लिस्ट बनाया जिसमें सेट के सारे एलिमेंट्स को हमने ऐड कर दिया, उसको सॉर्ट किया क्योंकि इसने बोला है लेक्सोग्राफिकली चाहिए। ठीक है, और अब इस सब आंसर को हमने आंसर में ऐड करके आंसर रिटर्न कर दिया। और इसके लिए देखो मैंने टेस्ट केस रन किया है गीक्स गीट। ठीक है, तो ये देखो वही आउटपुट आ रहा है, गीक्स गेट गीक्स और जीरो। ठीक है, गीक्स गेट गीक्स और जीरो जो हमने ट्राई रन किया था। ठीक है, तो ये चल रहा है। अब एक बार इसके लिए भी इस टेस्ट केस के लिए भी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, वैसे इसके लिए भी चलना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके लिए भी। ओके ओके, तो वैल्यू 3 है और क्वेरी है किसकी, GEEIPS। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये रन कर गया, वेरी गुड। ठीक है, फिर सबमिट कर देते हैं। ये एक कौन सा अप्रोच है, एकदम नाइफ भोला वाला सा अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो हमने देख के ही सोचा कि ऐसा ऐसा अगर कर दें तो हो जाएगा। फिर हमने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बस एक वेग सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग में इमेजिन किया कि इसका क्या क्या होना चाहिए, उसको कंपेयर किया कि लेस देन 10 पावर 8 है, चलो कोड कर दो, सबमिट तो हो जाएगा, सबमिट करने से मतलब है ना। अब यहाँ से थोड़ा एफिशियंट चलेंगे। ठीक है, तब मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में मैंने बोला था डिस्टिंक्ट है तो आपको एक जैसे दिमाग में आना चाहिए था जो कि सेट, बट डिस्टिंक्ट एंड लेक्सोग्राफिकली भी आ गया है, मतलब ऑर्डर में चाहिए, तब एक एक जैसे क्लिक होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर क्लिक होना चाहिए था, वो था क्या, सेट में भी एक पर्टिकुलर सेट, दैट इज ट्री सेट, है ना। अगर अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, तो ये फॉर लूप ओ ऑफ एस ले रहा है हमारा, ओ ऑफ एस ले रहा है हमारा, और ये कितना ले रहा है, ओ ऑफ एरे एरे लेंथ O of n, array length यहाँ पे n है। ठीक है, ये सब comparison O of 1 में कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हमने क्या किया, फिर O of n और ये चीज parallel में चलेगी, है ना। तो ये क्या हो गया, हमने सेट में सारे एलिमेंट्स एड किए वापस से, तो ये वापस से O of n, है ना, और ये क्या हो गया, सॉर्ट किया हमने n log n। तो आप देखो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n s
इंटू एन, है ना। और ये चीज इसके पैरेलल में चल रही है, इसके पैरेलल में क्या चल रहा है, एन जिसमें हमने हैश रेट में ऐड किया, और उसके पैरेलल में भी चल रहा है हमारा क्या, एन लॉग एन, ठीक है। वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, यही होगी ना, वैसे एन पैरेलल में चल रहा था, फिर से एन पैरेलल में चलो, हाँ ठीक है यही है। तो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी एस इंटू एन लॉग एन, हो गई ना। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें एफिशिएंट, जो मैंने बोला था लेक्सोग्राफिकली में डेढ़ सौ क्लिक होना चाहिए था, दैट इज ट्री सेट। तो अगर हम यहाँ पे पहले से ही ट्री सेट लिखते हैं, ट्री सेट, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, और हमारा सेट डॉट एड बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और हमें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंस वी आर यूजिंग द ट्री सेट, और हमारा कंपाइल एंड रन होना चाहिए। ठीक है, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल है, तो देख रहे हो। तो अब इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, है ना, हमने ट्री सेट में डाला है तो वो क्या खुद से ही वो काम कर रहा है कि नहीं। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो एस स्टार, और हमने क्या क्या यूज किया, एन, ठीक है, और हम सेट में ऐड कर रहे हैं, तो ट्री सेट में ऐड करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, तो लॉग एन, राइट। तो ट्री सेट में हमें अगर करना है ऐड, तो वो क्या सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट को इम्प्लीमेंट करता है, तो उस केस में भी हमें ऐड कर रहे हैं तो लॉग इन लगती है, तो एन लॉग इन यही हो जाएगी, है ना। और इसके पैरेलल में जो काम हो रहा है वो क्या काम हो रहा है, सेट से हम लोग वापस एरे में डाल रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं, तो एन। तो इस केस में भी वर्स्ट केस एन इंटू एन लॉग इन ही होती है, ठीक है। बट फिर भी हमने दो अप्रोचेस देखे कि कैसे काम करेगा, राइट, एक अप्रोच देखा टेक्निकली, बाकी तो स्ट्रक्चर हमने गेस कैसे करना है वो समझा, ठीक है। तो ये कोड भी सबमिट हो रहा है, हो जाएगा। अब हम इसके एक और अप्रोच पे आते हैं, जहां पे मैंने बोला था फोन डायरेक्टरी देखा तो एक डेटा स्ट्रिंग क्लिक होना चाहिए था, और वो है ट्राई, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं और हमें उनका स्ट्रक्चर बनाना होता है, एफिशिएंट सर्च करना होता है, तो हम एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप इंट्यूटिवली सोचो भी, अगर क्वेश्चन को ऐसे ना करते, है ना, तो अगर हम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हर एक प्रेफिक्स के लिए उसके पास एक अपना पूरा सेट होता जिसके अंदर सारे स्ट्रिंग्स स्टोर होते कि उस प्रेफिक्स से कितने कितने स्ट्रिंग्स पॉसिबल है ना, और हम उस डेटा स्ट्रक्चर को इस तरह बना सकते हैं कि सारे प्रेफिक्स को, लाइक दैट यू कैन फाइंड द स्ट्रिंग इन विच द प्रेफिक्स प्रेजेंट इन लीनियर फॉर्म, समझ रहे हो आप, कि लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को कैसे ट्राई यूज कर सकते हैं ना, तो लीनियर और ट्राई, तो लीनियर कैसे होता है ट्राई में वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ट्राई में क्या होता है, एक ऐसा रूट नोड होती है जिसके अंदर 26 होते हैं एंट्रीज, जिसके अंदर खुद एक न्यू ट्राई नोड जनरेट होता है, ठीक है। 26 क्यों होता है, क्योंकि ए टू जेड में 26 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ऐसा होता है। और लीनियरली जैसे अगर ए बी सी स्टोर कराना है तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी से जेड तक का एंट्री है, तो ए यहाँ से हो गया, ठीक है। अब इसके में 26 कैरेक्टर्स होंगे जहाँ पे ए और बी होगा, और बी यहाँ से उसका नोड हो जाएगा। अब इसके अंदर वापस से 26 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ए बी सी, और ये यहाँ से तीसरा नोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो अब लीनियर जा रहा है, लीनियर जा रहा है, ठीक है। चलो तो अब इसको ट्राई से समझते हैं, सेम एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ठीक है, सेम एग्जाम्पल लेंगे। चलो तो ठीक है, तो आप कुछ ऐसा इमेजिन करो कि ये एक रूट नोड है, ठीक है। हमारे पास पहले एग्जाम्पल क्या था, अपना गीक्स था, गेट था, टू, और हमें किसके लिए रन करना था, गीट के लिए, ठीक है। तो ये एक रूट नोड होती, ठीक है, जिसमें वो 26 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसका जो जी एंट्री होता है वहां से ही निकल गया था, ठीक है, ये जी। और अब बस आप अभी बस आप इमेजिन करो कि इसके पैरेलल हम वो सारे आंसर स्टोर कर पाते, आंसर क्या था, जी डबल ई के एंड गेट, ठीक है। अब जी से कहाँ बनना था, अब वर्ड क्या था, जी ई, पहले ये वर्ड बनाएंगे फिर ये वर्ड बनाएंगे, जी। अब हमें इसके पैरेलल मतलब जी पूरा कंसीडर करना है, और इसके पैरेलल हम आंसर स्टोर करने का करते हैं, ठीक है। आई बात समझो कि आप हो रहा आंसर स्टोर, ठीक है, भैया बस ट्राई का स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। फिर वापस से ई आता, और इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाता, ईक एंड
जीईटी में तो जी ट्रिपल ही नहीं है प्रेफिक्स का ना, तो इसके लिए जीरो, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है, सिर्फ गीक होता। और के लिए क्या हो जाता, सिर्फ गीक होता, ठीक है। अब हम दूसरा वर्ड बिल्ड करेंगे इसी ट्राई में, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर क्या था, जी, दूसरे वर्ड का जी था। फिर दूसरा कैरेक्टर क्या था, गेट। तो सेम हम लोग बस ट्रैवर्स करते जाएंगे, देखेंगे कि इस रूट नोड से जी का कोई एंट्री है, हाँ है तो आगे बढ़ जाओ। तो फिर दूसरे जी से फिर ई का एंट्री है, हाँ है तो आगे बढ़ जाओ। अब ई से हमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए, टी, तो इसके बाद टी का कोई एंट्री है ही नहीं, बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 26 का जो है ये ई से गया था, तो वहीं पे समथिंग कुछ टी के लिए भी पोजिशन होगा, तो यहाँ से एक खोल देंगे टी के लिए, ठीक है, एक नोड बना लेंगे, है ना। और इस पर्टिकुलर के लिए आंसर क्या हो जाना चाहिए, गेट, ठीक है, यही करना है हमें, इसी चीज को बस कोड करेंगे। क्या करना है हमें, बिल्ड ट्री करना है, ठीक है, चलो ट्री बनाते हैं, ठीक है। और इस चीज को हमें स्टोर करना है, तो आप खुद ही सोचो, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमें कुछ स्टोर करना है और रिक्वायरमेंट डिस्टिंक्ट की है, तो हर एक नोड के साथ एक डाल देंगे स्ट्रक्चर किसका, हैश सेट का। अगर हमें सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए तो ट्री सेट डाल दो, है ना, तो अपन ट्री सेट ही डालेंगे, चलो। तो नोड में ट्री सेट, हर एक ट्राई नोड में एक ट्री सेट होगा, एक 26 साइज का एरे होगा, और हर एक एंट्री से एक न्यू नोड का लिंक होगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, चलो। तो इसको कोड कर लेते, पहले इसको रीसेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्राई बना लेते हैं, ठीक है, एंड इसके साथ हमें देना है हैश सेट स्ट्रिंग सेट, ठीक है, हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, सेट क्या है हमारा, कहाँ से आ रहा है, न्यू हैश सेट से, सी एच क्या है हमारा, सी एच जो हमने जो एरे बनाया है वो एक्चुअली में खुद क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नया एरे जिसकी टाइप ट्राई है और 26 नोड्स होने चाहिए, ठीक है। और इनिशियली इनके आगे कुछ भी मैपिंग नहीं किया हुआ है ना, तो सबके नोड्स को नल मार्क कर दो, लाइक हर एक एंट्री में कोई मैपिंग तो है नहीं, तो सबके नोड्स को नल मार्क कर दो ना, ठीक है। अब हमें जो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, जो भी स्ट्रिंग्स थे उनसे ट्री बना देते हैं ना, ट्री बना देते हैं और उसके बगल में उनका पॉसिबल आंसर स्टोर कर रहे थे, यही कर रहे थे हम लोग। तो ओवरऑल लॉजिक तो यही है कि चेक, तो क्या ओवरऑल लॉजिक क्या है, चेक इफ, तो और लास्ट में हमें इसी ट्राई को इटरेट करके आंसर भी निकाल देना है। कैसे क्या करेंगे कि जो प्रेफिक्स आया हमारा जी, ठीक है, जी आया हमारा, ठीक है, तो जी को चेक करो ट्राई में है या नहीं, चेक इफ प्रेफिक्स एग्जिस्ट इन ट्राई। सेकंड स्टेप क्या होगा, अब यहां से एक आंसर आएगा यस, एक आंसर आएगा नो, है ना। यस होगा तो क्या करना है कि उसके बगल में जितने भी उस पर्टिकुलर नोड के बगल के साथ जितने भी हैश, जो भी हैश सेट जुड़े हैं उसको आंसर प्रिंट कर दो, है ना। और अगर नहीं है तो फिर जीरो ऐड कर दो, यही है ना। चलो इसको कोड करते हैं फटाफट। तो हमें दो फंक्शन लिखना होगा, एक फंक्शन तो ट्री बिल्ड का और एक फंक्शन हमें चलाना होगा कि चेक इफ प्रेफिक्स एग्जिस्ट इन ट्राई नोड, तो उसका डाल देते हैं नाम फाइंड, ठीक है। चलो ये दो चीज हमें बिल्ड करनी है, ठीक है, आ जाओ करते हैं। आप तो ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम ट्राई का रूट बना लेते हैं, क्या करेंगे, न्यू ट्राई, ठीक है। हमें कौन सी फंक्शन कॉल करनी है, बिल्ड ट्री, जिसमें हमें क्या पास करना होगा, उस ट्राई का रूट, और हमें किससे किसके स्ट्रिंग से बनाना है, तो स्ट्रिंग कहाँ प्रेजेंट है, कॉन्टैक्ट एरे में। चलो इस फंक्शन को बिल्ड कर लेते हैं पहले, तो ये हो गया क्या स्टेप वन, इस फंक्शन को बिल्ड कर लेते हैं फट। तो स्टैटिक वॉइड बिल्ड ट्राई, ठीक है, फिर रूट कॉमा हमें क्या पास करना था,
हमें ट्राई रूट और हमें कॉन्टैक्ट एरे पास करना है। तो टाइप किया स्ट्रिंग, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बार बार कॉन्टैक्ट क्यू टाइप करना। ठीक है, हो गया ऐसा। ठीक है, तो हमारा जो हमें जो अपना रूट है उसी में अब हम कर क्या रहते हैं, वापस से आते हैं ड्राइविंग कर क्या रहते हैं कि जो पहली स्ट्रिंग है उसके स्ट्रिंग को ऐड कर देते हैं, है ना। इस मान लेते हैं ये कोई टेम्प नोड है, ऐड कर देते हैं, फिर टेम्प वापस से अब इस पे चला जाएगा। अब अपना जब जी ऐड हो जाएगा तो टेम्प ये हो जाएगा, ताकि फिर अगले टेम्प को प्रोसेस करते हैं। फिर जब ई ऐड हो जाएगा तो टेम्प इस पे हो जाएगा। तो हमें हमें चेक क्या करना है कि जो रूट नोड है, ठीक है, उसके में उसका जो जी वाला एंट्री है, अगर मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, रेड ले लेते हैं, इसका जो जी वाला एंट्री है अगर नल को पॉइंट करता है, नल को पॉइंट करता है, तो क्या करना है, हमें एक नया जी नोड बना देना है। अगर नल को नहीं पॉइंट करता वो किस कब आएगा, कि जब हम गीक्स की स्ट्रिंग बना दिए हैं और गेट को पुट करना चाह रहे हैं, तो जी तो यहाँ से फिर से जी के लिए चेक करेंगे रूट नोड से कि जी है या नहीं, तो वो तो बोलेगा पहले से है, तो उसमें बस ट्रावर्स कर जाएंगे हम। ठीक है, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये ट्राई ट्रावर्सल है भाई लोग, तो ठीक है, ये अगर आपको पहले से आता था तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो पूरी डेप्थ में बताऊंगा आपको, क्योंकि उसी से ही समझ में आएगा कि भाई चीजें कैसे हो रही है। और ट्रू प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है तो टाइम देना होगा और सारी अप्रोचेस सीखनी पड़ेंगी। चलो, तो हम इसको स्टोर कर रहे थे एक टेम्प में, है ना। तो ट्राई टेम्प इज इक्वल टू नल, एक टेम्प बना लेते हैं, फिर इसको रूट पे असाइन कर देंगे ताकि हमें इटरेट भी कर तो करना है ना। ठीक है, चलो अब स्ट्रिंग में इटरेशन शुरू शुरू किया जाए। ठीक है, ये स्ट्रिंग आने में आ गया। अब हमें हर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को इटरेट करना है ना। तो टेम्प को रूट बना देते हैं पहले, तब असाइन कर देते हैं, और फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो एंड जे लेस देन सी डॉट सी ऑफ आई, इसका स्ट्रिंग आ गया। इस स्ट्रिंग के लेंथ तक इटरेट करना है, और स्ट्रिंग है तो पैरेंथेसिस डालनी पड़ेगी, और जे प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि टेम्प में जो उसका जी एंट्री है, अभी गीक्स पुट कर रहे हैं तो जी एंट्री है, तो उसका नल है यानी, तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि टेम्प डॉट सी एच, सी एच के लिखा क्योंकि हमने इस यहाँ पे कैरेक्टर का नाम सी एच, मतलब क्या जो एरे था ट्राई का एरे वो हमने सी एच रखा था। अब हम इसे कैसे चेक करेंगे, तो लिख देंगे सी ऑफ आई डॉट कैरेट जे। तो ये अब हम अपने स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर पे पहुंच गया यहाँ से, क्योंकि अब हमारा, अब ये देखो आप एक चीज और, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ए यहाँ पे ए लिखेंगे और इक्वल्स इक्वल्स टू नल। ठीक है, आप तब तक फिगर आउट करो वीडियो स्टॉप करके कि ऐसा क्यों लिखा मैंने, और नहीं तो मैं इसको जस्ट ये लाइन लिखने के बाद बताता हूँ। तो इस चीज को हमें कॉपी करना है, इस चीज का हमें न्यू नोड बना देना है, इज इक्वल्स टू न्यू टी आर आई। चलो उस पर चलते हैं कि माइनस है क्यों लिखा। ओके, तो गलती से मेरा गेट बैश ओपन हो गया, ठीक है इसको बंद करते हैं। हाँ, माइनस है क्यों लिखा, तो हमारी जो एरे की एंट्री है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, हमारी जो एरे की एंट्री है वो 0 से लेकर 26 तक है, और हमें मान लो कोई ए वर्ड पुट करना होता। ठीक है, तो अगर ए वर्ड पुट करना है तो अगर ए माइनस कैरेक्टर ए कर देते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो जाता है, पता है ना, एस की वैल्यूज कंपेयर हो जाती है, ए का वैल्यू 61 होता है, ए का वैल्यू 61 होता है, और ये 0 हो जाता है। सिमिलरली हमें क्या पुट करना है, जी पुट करना है 0 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब जी जो है 6 इंडेक्स पर है। आप देखो आप माइनस करो, जी माइनस ए करोगे तो क्या आ जाएगा, जी का वैल्यू क्या होता है भाई, ए का वैल्यू 61 होता है हमें पता है, तो एस की वैल्यू के हिसाब से जी का क्या हो गया 67, तो 67 6 तो 6 आएगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली 6 इंडेक्स को जाके मैप कर देगा, इसलिए मैंने से कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम दे दिया इस चीज को, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो बस इटरेट कर जाओ, अगले जो नोड प्रेजेंट है उस पर ट्रैवर्स कर जाओ, ट्रैवर्स कर जाओ इससे, और हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर नोड पे हमें जिस जिस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे हैं उस स्ट्रिंग को ऐड कर देना है, बस यही करना है। तो टेम्प डॉट सेट और सेट डॉट ऐड सी ऑफ आई, आई करेंगे, आई करेंगे जे करेंगे, आई करेंगे,
क्योंकि जे हमारा क्या था, स्ट्रिंग में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो, और हम आई क्या था हमारा कि एक्चुअली में जो स्ट्रिंग लेंथ है। तो जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर चीज के लिए जब जी को हमने, जब हमने यहाँ पे जब हमने जी को एक नया नोड बनाया यहाँ पे, तो स्ट्रिंग कौन सी गई, पूरी की पूरी स्ट्रिंग गई ना, पूरी की पूरी स्ट्रिंग गई। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, इस आई से आएगी है ना। चलो जे तुम्हारा कैरेक्टर के लिए है भाई, कैरेक्टर है, इटरेटिंग इन कैरेक्टर्स, और ये तुम्हारा इटरेटिंग इन स्ट्रिंग्स। चलो तो बिल्ड ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसके बाकी चीज को लिख देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, बिल्ड ट्री तो भाई कंप्लीट हो चुका है, अब हमें एक एरे लिस्ट बनानी होगी जिसमें हम आंसर स्टोर कर पाएंगे, तो बना लेते हैं आंसर न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्वेरी क्वेरी रन करनी है ना, एस जो क्वेरी स्ट्रिंग लगी है उस पर रन करना है। तो आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन स्पेस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें फिर से वही जो एक सब आंसर वाला लॉजिक था हमारा वो बना लेते हैं, हमें भाई कुछ आंसर मिल के आने वाला है स्ट्रिंग। सब आंसर इक्वल्स टू न्यू एसटीआर। ठीक है, और हम एक फंक्शन चलाने वाले थे फाइंड। अब देखो हमें फाइंड में, तुम ही सोचो पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, हमें ट्राई में ट्रैवर्स करना है तो सबसे पहले तो भाई उसका रूट पैरामीटर होना चाहिए, रूट रहेगा तब तो ट्रैवर्स करें। और हमें खोजना किसको है, प्रेफिक्स को खोजना है, प्रेफिक्स क्या होने वाला है, सबस्ट्रिंग होने वाली है जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से आई तक। ठीक है, और हमें इस सब आंसर को पास करना होगा कि जब भाई उस पर्टिकुलर नोड के या हैशटैग पे पहुंच गए तो उसको ऐड भी तो करना है कहीं पे। ठीक है, गुड है। चलो, और क्यों हम लोग ट्री सेट यूज कर रहे हैं, तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो भी आंसर आएगा उसको सब आंसर में ऐड करो, सब आंसर में ऐड करो और बस रिटर्न कर दो क्या आंसर। तो हमें बस अभी फाइंड फंक्शन बनाना है ना। चलो फाइंड फंक्शन बनाते हैं, स्टैटिक फाइंड ट्राई, रूट नोड पास किया हमने, और क्या पास करना है हमें, हमें प्रीफिक्स पास करनी है ना, मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास करना है, और स्ट्रिंग इसका नाम एस दे देते हैं, ये जो सब स्ट्रिंग है जो प्रीफिक्स है ना। ठीक है, और हमें क्या पास करना है, सब आंसर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एरे लिस्ट ऑफ टाइप क्या होगी स्ट्रिंग, और इसका नाम वही रहने देते हैं, सब आंसर। चलो भाई फटाफट आप कोड करना है, कोड में क्या करना है कि जो प्रेफिक्स खोज रहे हैं, ठीक है, अब उस प्रेफिक्स के जैसे जी को खोज रहे हैं तो देखो कि नोड में जी है तो ठीक है आगे बढ़ जाओ, अब मान लो जी को जी है तो जी से जितने भी है उसको प्रिंट कर दो आंसर, आंसर यही करना है। अब जी के लिए जब ट्रैवर्स करेंगे तो जी है ई भी है तो फिर ई तक आओ और उसमें जो भी हैशटैग में है उसको प्रिंट करा दो। ठीक है, चलो यही करना है बस, ट्रैवर्सल और उसके हैशटैग में जो भी है प्रिंट करो। चलो तो स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर जाते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग में अपनी, ये एक्चुअली में प्रीफिक्स पास हो रहा है कि करके, तो अभी फर्स्ट इटरेशन में हमें क्या पास हुआ है, सिर्फ जी कैरेक्टर। चलो आई प्लस प्लस, ठीक है, और हमें क्या करना है, देखना है कि रूट में वो चीज प्रेजेंट है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं क्या एट आई, और माइनस ए का लॉजिक मैंने आपको समझा रखा है, इक्वल्स इक्वल्स टू नल, नल है। तो हमें क्या करना है, इस केस में हमें क्या करना था कि जीरो ऐड करना था है ना, और ब्रेक भी कर जाना है ना, तो इसके लिए हमें कुछ एक इंट फ्लैग बना लेते हैं। ठीक है, अभी मान के चल रहे हैं कि आंसर एग्जिस्ट करता है, आंसर एग्जिस्ट एग्जिस्ट, तो इस केस में जब नल है तो वो प्रीफिक्स ही नहीं प्रेजेंट है
है ना, तो फिर उस प्रेफिक्स से जो हैशटैग में जा रहे सारे पॉसिबल आंसर पड़े रहते हैं वो भी नहीं होंगे, है ना। तो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो मतलब भाई आंसर इसमें क्या होगा, नो सबस्ट्रिंग विथ प्रेफिक्स जो तुम अभी यहां से पास कर रहे हो, एस डॉट एस एस स्ट्रिंग, ठीक है, विथ प्रेफिक्स ऐसे लिख देता हूँ, हाँ ज्यादा क्लियर है। चलो फिर यहाँ से ब्रेक कर जाओ। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि वो नल नहीं है, तो हमें बस उसमें ट्रैवर्स कर जाना है, तो रूट इज इक्वल्स टू रूट डॉट, रेफरेंस चेंज कर दो बस, रूट डॉट, यहाँ से चीज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें फाइनली आंसर में सब सब कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू जीरो मतलब आंसर एग्जिस्ट नहीं करता था, उस केस में हमें क्या करना है, सब आंसर में हमें जीरो ऐड करना है, सब आंसर डॉट ऐड जीरो, ठीक है। और एल्स मतलब एल्स एल्स पार्ट कौन सा हो गया जिसमें फ्लैग इक्वल्स टू वन है, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो रूट है उसमें एक सेट है और उस सेट में स्ट्रिंग्स है, तो स्ट्रिंग्स एक्स नाम दे देते हैं, और रूट डॉट उसके सेट को क्या सेट यूज करना है, डॉट सेट, सेट हमने नाम दे रखा था जो क्लास ट्राई बनाया था, और हमें क्या करना है सब आंसर डॉट ऐड, ये सारे स्ट्रिंग को ऐड कर देना है, बस खत्म हो गई कहानी। हर एक प्रेफिक्स के लिए ये कोड चल रहा है, राइट, ठीक है, तो ये काम करना चाहिए। होप आपको सारी बातें समझ में आ रही है, ये पहला स्टेप था ट्राई बिल्ड करने का, ये दूसरा स्टेप है क्वेरी में रन करो, और हर प्रेफिक्स के लिए तुम एक फाइंड ऑपरेशन लगाओ। चलो तो अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन लगा रहा है, तो थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं उसको सही कर देता हूँ फटाफट, तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए सारी। चल छोड़ो, आप भी देखो कहाँ कहाँ मिस्टेक है। ये लाइन नंबर कौन सी है, सब आंसर बनाते समय मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, यहाँ पर है, और कहाँ पर है, आई लेस देन सी डॉट लेंथ, लाइन नंबर 76, ओके, यहाँ पे सेमी कलन में से, और इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन देख लेते हैं, ओके, और मैंने हर जगह तो स्मॉल टी यूज किया, शायद ठीक है तो एरर आ जाएगी, इसी को स्मॉल टी कर देते हैं। चलो ओके, दो बार प्रेस हो गया गलती से, ठीक है, ओके, फाइंड में हमने इसका रिटर्न टाइप नहीं दिया, होपफुली अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ स्पेलिंग एरर से मैंने सही कर लिया, मैंने जो मेजर चीज़ यहाँ पे चेंज की, यहाँ पे ट्री सेट, ठीक है, मैंने हैश सेट लिख रखा था, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे कलेक्शन डॉट सॉर्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ फाइंड में, यहाँ पे इसलिए हमने ट्री सेट यूज कर लिया, ठीक है। तो कंपाइलेशन एंड रन पे ये आ रहा है, और हम जो तब से ड्राई रन कर रहे हैं उस केस को भी चेक कर लेते हैं, गीक गेट, हमेशा छोटे छोटे केसेस के लिए ड्राई रन करना चाहिए, ताकि उसके लिए आप फट से सॉल्व कर पाओगे कि उसका है क्या आंसर, ठीक है। कंपाइल एंड रन, ओके, अब इसे सबमिट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये फाइनली रन हो चुका है, नाइस, तो हमारा हार्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, वीडियो थोड़ी लंबी जा चुकी है, बट हमें समझना है, एक लास्ट चीज़ डिस्कस करनी है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, है ना।
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? सबसे पहले तो पहले फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो हम लोग जब फाइंड कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि जो भी स्ट्रिंग है उसमें इटरेट कर रहे हैं, है ना, बस इटरेट ही कर रहे हैं और कुछ तो कर नहीं रहे, हैश सेट वैश सेट तो सब कुछ दे रखा है। तो हमें बस क्या हो गया इसका ओ ऑफ एस, एस की जो लेंथ है ना, और बिल्ड पे चलते हैं फट से फटाफट। बिल्ड ट्री में हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग एरे पास हो रही है, तो इसकी सबसे पहली तो हो गई और स्ट्रिंग एरे की लेंथ क्या है, एन है ना, तो एन स्टार तो पहले हो गया, और हम सारे कैरेक्टर उसके हर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स में इटरेट कर रहे हैं। तो ट्राई की जो लेंथ होगी ये सबसे लंबी लेंथ कौन वाली होगी जो अपन ट्राई बनाएंगे, वो वाली होगी जो सबसे मैक्स कैरेक्टर्स होगा जिसके में, जैसे गीक्स और गेट है, अभी तो दो स्ट्रिंग है तो बड़ा कौन है, गीक्स। तो ट्री की जो लेंथ होगी वो गीक्स में जितने कैरेक्टर्स उतनी बड़ी होगी, है ना। तो इसका क्या हो गया, एन इंटू मैक्स स्ट्रिंग लेंथ, मैक्स स्ट्रिंग लेंथ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ट्राई हो गया। चलो ठीक है, अब फाइनली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं जो हम फंक्शन में कॉल कर रहे हैं। हमने यहाँ पे किया है, सबसे पहले तो एस चलाया हमने, तो एस डॉट लेंथ, और ठीक है, तो एस इंटू क्या हो गया, हमने फाइंड फंक्शन चलाया। अब फाइंड की क्या थी कॉम्प्लेक्सिटी, फाइंड की कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ ऑफ एस, तो एस इंटू, अब एस में भी क्या, एस में हाँ ओके, एस डॉट लेंथ में तो एस हो गया, और हम यहाँ पे एस के हर एक प्रीफिक्स को कॉल कर रहे हैं, तो वॉस किस क्या हो गया कि जो प्रीफिक्स है पूरा स्ट्रिंग ही ले रहे, जैसे गीक्स था, गीट था, जी डबल ई टी, तो एक प्रीफिक्स होगा जी ई टी, ठीक है, एस इंटू एस स्टार, ठीक है। और क्या हो गया हमारा, हम लोग और क्या कर रहे हैं, फाइंड फंक्शन तो चला लिया हमने भाई, ठीक है। और हम ट्री में, अच्छा, ये यहाँ मैंने एक चीज मिस की, फाइंड में हम सेट में ऐड भी तो कर रहे हैं, और वो सेट में एडिशन कब हो रहा है ये बस चेक करना है हमें, नहीं बिल्ड में एडिशन हो रहा है, राइट, यहाँ पे ऐड हो रहा है, टेम्प डॉट सेट ऐड, तो एन इंटू इतना और लॉग इन भी होगा, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिल्ड सब कुछ पैरेलल वर्क हो रहा है, तो बिल्ड ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उठाते हैं पहले, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इतना प्लस जो कि यहाँ पे कॉल रहा है लाइन नंबर 39 में। फिर हमने एरे लिस्ट बनाया, फिर इनटू हमने ओ ऑफ एस टाइम्स इनटू एस के, ठीक है, एस स्टार एस, और हाँ ठीक है, फाइंड में हमने एस ही दिया, बाकी सारे तो ओ ऑफ वन ऑपरेशन ही हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं बस हम, और ये तो पैरेलल वर्क हो गया तो इसको नहीं ऐड करेंगे, हाँ ठीक है। तो प्लस एस स्टार एस, ये होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या हो गया, हमने क्या यूज़ किया, हमने ट्राई यूज़ किया है ना, मतलब क्या यूज़ किया हमने, ट्राई में हमने यूज़ किया है कि जितने भी स्ट्रिंग्स थे, एन स्ट्रिंग्स थे, है ना, तो उतना होगा, और हमने, और उसका ट्री की लेंथ क्या होगी, सबसे लेंथ, तो उसकी लेंथ होगी मैक्सिमम कैरेक्टर्स, है ना, तो इसका हो गया एन स्टार मैक्स लेंथ, ठीक है। एन टाइम्स हमने ट्री को कॉल किया, है ना, हर एक स्ट्रिंग के लिए कॉल किया ट्राई को, और उसकी मैक्स लेंथ उसकी हो गई, ठीक है। चलो तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, है ना, चलो फिर आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं, वीडियो ऑलमोस्ट 49 मिनट्स की हो चुकी है, ठीक है, तो कल के पीओटीडी मिलते हैं। और भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सारे प्रोसेस करने में, आपको समझाने में, अच्छी लगी हो तो चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। और सबसे और आखिरी बात आज की, कि ये हमारी DSA रिपोजिटरी है, जहाँ पर मैं कोड पुश करूँगा, ठीक है, हमेशा पुश करता हूँ, जब भी यहाँ पे सबमिशन डालता हूँ तो ऑटोमेटिक पुश हो जाती है यहाँ पे, आप इसका हेल्प लो, स्टार्ट करो, फोक करो, है ना। और चलो बाय बाय, कल KPOT डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, टाटा।